राजनीति का शिकार हो गए पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली। क्यों छीन ली गई सौरभ गांगुली से बीसीसीआई की कुर्सी? सौरभ गांगुली के साथ हो गया पूर्व कप्तान विराट कोहली वाला खेल। इसी तरह विराट कोहली से भी छीन ली गई थी तीनों फॉर्मेट की कप्तानी। बीसीसीआई ने सौरभ गांगुली को दोबारा अध्यक्ष बनाने से इनकार कर दिया है। 1983 वर्ल्ड कप टीम के मेंबर रॉजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अगले बॉस होंगे। वहीं सचिव जय शाह अपने पद पर ही बने रहेंगे। अक्टूबर 2019 में अध्यक्ष बने सौरभ चाहते थे कि वे एक कार्यकाल और पूरा करें, मगर ऐसा न हो सका। बोर्ड की मीटिंग में उनका विरोध हुआ, कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। सौरभ गांगुली अलग थलग पड़ चुके हैं। दादा की इस वक्त इस चौराहे पर नजर आते हैं जहां साल भर पहले विराट कोहली खड़े थे। सौरभ गांगुली के 3 साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद 2021 में हुआ, जब टीम इंडिया के कप्तान रहे विराट कोहली से उनकी अनबन की खबरें आने लगी। भारत के साउथ अफ्रीका का दौरा करना था, विराट कोहली की जगह अचानक कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप दी गई। खबरों के मुताबिक टी20 की कप्तानी छोड़ते समय विराट कोहली ने वनडे और टेस्ट की कप्तानी जारी रखने की इच्छा जताई थी, लेकिन बीसीसीआई चाहता था कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक ही कप्तान रहे। इस वजह से कोहली से वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई। तब कहा गया था कि बोर्ड ने इस बारे में कोहली से बात की थी, लेकिन कोहली ने बात होने से साफ इनकार कर दिया था। इस दौरे के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की भी कप्तानी छोड़ दी थी। गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहने के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि बोर्ड अध्यक्ष पद के मामले में ऐसा चलन नहीं है। सौरभ गांगुली और जेएस जॉर्ज छोड़कर बीसीसीआई की मुख्य बॉडी के हर पदाधिकारी को एक और मौका मिला है। बीसीसीआई हेडक्वार्टर में 11 अक्टूबर को हुई बैठक में मौजूद एक सदस्य के नाम न छपने की शर्त पर बताया सौरभ परेशान दिख रहे थे, हताश और निराश भी थे। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद वो ऑफिस से निकलने वाले आखिरी आदमी थे। तेजी से अपनी कार में बैठे, खिड़की के शीशे चढ़ाए और निकल गए। नामांकन के दिन से पहले अनौपचारिक बैठकों में गांगुली को बताया गया कि उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और वर्तमान बीसीसीआई टीम के मेंटर एन श्रीनिवासन गांगुली के मुखर आलोचकों में से एक थे। दादा पर आरोप लगे कि उन्होंने ऐसे ब्रांड्स का समर्थन किया जो बीसीसीआई के ऑफिशियल स्पॉन्सर के प्रतिद्वंदी थे। 2021 के अंत में विराट कोहली ने टी20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। फिर बोर्ड की तरफ से घोषणा हुई कि वनडे के भी कप्तान नहीं रहेंगे। इसके बाद गांगुली ने कहा था कि विराट को वनडे कप्तानी से हटाए जाने का फैसला बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने मिलकर किया है। बोर्ड ने विराट से टी20 की कप्तानी नहीं छोड़ने को कहा था, लेकिन वो सहमत नहीं हुए। गांगुली ने यहां तक कहा कि उन्होंने खुद कोहली से टी20 की कप्तानी छोड़ने की अपील की थी, लेकिन वर्कलोड की बात करते हुए वे अड़े रहे। इसके बाद विराट कोहली ने मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि गांगुली या बीसीसीआई ने उन्हें टी20 की कप्तानी छोड़ने से नहीं रोका। उन्होंने कहा कि मैंने टी20 की कप्तानी छोड़ने की बात सबसे पहले बीसीसीआई को बताई थी। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया गया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे ये नहीं कहा गया कि आप कप्तानी मत छोड़िए, बल्कि मेरे फैसले की तारीफ की गई। विवाद के इस बयान के बाद गांगुली की जमकर आलोचना हुई थी।